हेलो फ्रेंड्स, भावनाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स चीला, जो कि बनाना बहुत आसान है और खाने में भी टेस्टी लगता है और हेल्दी नाश्ता भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ओट्स का चीला बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 कप पिसी हुई ओट्स ले लेनी है। उसमें 3 कप ओट्स में 1 कप सूजी डालना है। 3:1 का रेशियो। वो दोनों को अच्छे तरीके से मिला लें, सूजी और ओट्स को अच्छे तरीके से, सबसे पहले कि दोनों एक दूसरे में मिल जाए उसे अच्छे तरीके से मिला लें। ये देखिए मिल गया है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे और उसमें 1 कप दही डालेंगे। दही भी फेटी हुई होनी चाहिए। 1 कप दही, देखिए 1 कप दही डाल दें। दही को भी अच्छे तरीके से मिला दें उसमें। दही के बाद पानी ऐड करें, धीरे धीरे करके पानी उसमें डालें ताकि उसमें लम्स ना पड़े, और जितना पानी की आवश्यकता हो डालें। इसमें हमें 3 कप पानी लगा है। जितना ओट्स उतना पानी डाल दें, वो मिक्स हो जाएगा। उसे अच्छे तरीके से मिक्स पहले करें। कुल मिला के हमें 3 कप पानी लगा है। इसे अच्छे तरीके से मिला लें। आप अगर इसमें चाहें तो बेसन भी मिला सकते हैं। ये देखिए हमारा घोल तैयार है। इसी तरीके का घोल होना चाहिए। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डालेंगे, 2 मीडियम साइज का प्याज छोटा छोटा काटा हुआ। सभी को अच्छे तरीके से मिला देना है। पूरे में मिला दें ताकि सब में अच्छे फ्लेवर आ जाए। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें कि 2 हरी मिर्च, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आप नमक अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे तरीके से पूरे बैटर में मिला दें। ताकि मसाले का गांठ ना रह जाए, इसलिए अच्छे तरीके से इसे फेंट। अब हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती। उस सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला दें। नींबू का रस पूरे बैटर में मिल जाए। अब हमारा बैटर तैयार है। ऐसे हम अब 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा सूजी फूल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अभी देखिए हमारा बैटर बहुत गाढ़ा है, इसे थोड़ा सा इसमें 1/2 कप पानी और पड़ेगा। पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मिला लें। 1/2 कप पानी डाल के पानी को देखिए हमारा बैटर अच्छा तरीके से तैयार है। इसी तरीके का घोल हमारा होना चाहिए। अब हम इधर तावा गरम कर लेंगे। पूरे तावे पे तेल फैला दें। तावे को अच्छे तरीके से गरम होने दें। अगर तावा कम गरम होगा तो हमारा चीला नहीं उखड़ेगा, इसीलिए तावे को अच्छे से गरम करें। उसके बाद उसके ऊपर बैटर को अच्छे तरीके से पूरे तावे पे फैला दें, इवनली स्प्रेड करें। इसी तरीके से पूरे तावे पर आप बैटर को फैला दें। देखिए ये जब ऊपर से देखिए सूखा सूखा दिखने लगे, तब आप किनारे से स्क्रैच करते हुए चीले को पलट दें। देखिए चीले को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने दें। इसी तरीके का कलर आना चाहिए, गोल्डन ब्राउन। अगल बगल से प्रेस करते हुए चीले को अच्छे तरीके से सेक लें। बस ये देखिए हमारा चीला तैयार है। अब हम इसी तरीके से दूसरे चीले को भी डाल दिए हैं। इसे भी पलट के पूरा सेक लिया चाहिए, अगल बगल से प्रेस करते हुए सेके, ताकि हमारा चीला क्रिस्पी बने। देखिए हमारा चीला तैयार है। आप भी अपने इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा और ये बहुत हेल्दी है। ओ
उम्मीद है कि आपको ये मेरा चीला बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये चीला पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।